Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. मगर आप ये सब कुछ हमें क्यों बता रहे हैं? मैं आपकी साहबजादी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जिन लोगों के पास इख्तियारात हैं, उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही। अब समझेंगे, समझेंगे भी और जागेंगे भी, क्योंकि मैंने अपने इस कॉलम में उन सबका नाम लिख दिया। इसको राजी हो जाना चाहिए, इसलिए कि रिश्ता हमें पसंद आ गया है। आप लोग मुझसे इसलिए ये सब बातें कर रहे हैं क्योंकि मैं एक बेटी हूँ। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। रिपोर्टिंग कैसी जा रही है? जो कुछ हो रहा है उसके बारे में लिख रहा हूं, और जो कुछ नहीं होना चाहिए उसके बारे में भी। सफे काले कर लेने से कुछ नहीं होगा, यही समझाने के लिए रोका है तुम्हें। नया नया जन्म है सहाफत में, अभी तो तुम्हारे घुटनों के बल चलने के दिन भी नहीं आए और तुम हमारे पीछे दौड़ने के ख्वाब देखने के लिए। ऐसा मत करो, ओके? मैं भी आपसे यही कहना चाह रहा था, आप भी दोबारा ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि हर इंसान खरीदा नहीं जा सकता। हादसे में हलाक होने वाले बच्चे की मां को खरीद के लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। नए नए दिन है तुम्हारे, ये इनकलाब, हुब्बुल वतनी, ये सब किताबी बातें हैं, किताबों में अच्छी लगती है। हकीकत की जिंदगी में ये लफ्ज खोखले हैं। जीशान साहब, मैं आपके बारे में ज्यादा जानता नहीं, बल्कि यकीन करें मैं तो आपको भूल भी गया था, लेकिन आप मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं आपके ऊपर रिसर्च करूं, और अब मैं करूंगा, जानूंगा कि आप क्या करते हैं और क्यों करते हैं। हाँ करो, जरूर करो, करके देखो। बेरहम नहीं हूं मैं, लेकिन जब हो जाता हूं ना, फिर बहुत बड़ा हो जाता हूं। गुड, देखना चाहूंगा मैं भी आपकी बुराई। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आएगा, होते आएगा। यार जीशान, क्या कह रहे हो तुम? शादी इश्तियाक साहब की बेटी वो अपनी नवीन से? हाँ हाँ, शादी करूंगा तो उसी लड़की से कराऊंगा, और ये बात अभी तक मैंने सिर्फ तुझे बताई है, यहां से आउट नहीं होनी चाहिए। और हो सकता है मुझे अपनी नताशा की भी जरूरत पड़े इस सिलसिले में। मैं नोट कर रहा था तुम्हें उस दिन। काफी इंटरेस्ट ले रहे थे। हाँ वो है ही ऐसी, यहां यहां हिट किया है उसने मुझे, था स्ट्रेट, बला की बेनियाजी है उसमें। जीशान, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है उसका, और जहां तक मैं तुझे जानता हूं, मिडिल क्लास फैमिली की लड़की तेरी शख्सियत और हैसियत से बेनियाज नहीं रह सकती है। और नवीन को मैं बचपन से देख रहा हूं, बड़ी आइडियलिस्टिक इंटेलेक्चुअल लड़की है, काफी रिजर्व भी रहती है। समझ चुका हूं मैं उसे, मैं जानता हूं वो इस रिश्ते से इनकार कर देगी, लेकिन तुझे तो पता है जो चीज पसंद आ जाती है मुझे वो मैं हासिल कर लेता हूं। इसका मतलब है कि तुम फैसला कर चुके हो, राइट? फैसला कर चुका हूं कि मेरे घर में अगर बीवी बनके कोई लड़की आएगी तो वो सिर्फ नवीन आएगी। अगर वो राजी हो गई तो ये पसंद की शादी होगी, और अगर वो राजी ना हुई तो समझो मेरी जिद। तो तू क्या चाह रहा है, उसका रिश्ता लेकर मैं जाऊं? रिश्ता मैं ले जा चुका हूं खुद। क्या मतलब, रिश्ता लेके जा चुके हो खुद? हाँ, रिश्ता मैं खुद ही जा चुका हूं, लेकिन तुझे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुझसे कुछ छुपाता नहीं हूं मैं। ये बात यहीं रहनी चाहिए जब तक सब कुछ डन ना हो जाए। अच्छा ये बता, क्या लेगा, कॉफी या? कॉफी कॉफी।
काफी। चलो भाई बस बंद करो इसे, चाय पियो। एक मिनट बहुत हैरत हो रही है मुझे। तुम्हारी जिंदगी में तो हैरतें ही भरी हुई हैं। अब क्या हुआ है? उफ, एक खुफिया पैकेट आया मेरे पास। उसमें जितने नामों की लिस्ट है ना, उनके काले करतूतों को देखकर हैरान हूँ मैं। करप्शन भी और उसके अलावा भी बहुत कुछ। सुमेरा, कोई सियासी पार्टी तुम्हें इस्तेमाल ना कर जाए। इन पॉलिटिशियंस को तुम जानती हो, कुछ लोग तो सियासत में कुछ भी बेचने और कुछ भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं। हाँ, आरिफ के कॉलम ने तो कई अहम इदारों और अफराद को चौंका दिया। अरे इससे कुछ नहीं होगा, सब आपस में साठ बांट कर लेंगे। खैर तुम इन बातों को छोड़ो, तुम अपने दिल के हीरो की सुनाओ, कहां तक पहुंचा तुम्हारा इश्क? कहीं तक नहीं पहुंचा यार, वही जमा हुआ है बर्फ के तोदे की तरह। इश्क तुमने कर लिया, इश्क इतने दिनों में तो आशिक अपने हनीमून से भी वापस आ जाते हैं। हाँ, तुम तो अपनी फ्लाइट में ऐसे जोड़े देखती रहती होगी। हाँ, हर फ्लाइट में होते हैं ऐसे जोड़े, तुम्हारी तरह थोड़ी, तुम्हारी तो फ्लाइट ही टेक ऑफ नहीं कर रही। मैं क्या करूं, जब भी वो मेरे सामने आता है मेरे अल्फाज ऐसे जम से जाते हैं, इजहार ही नहीं कर पाती उससे, जबकि वो मुझसे हर चीज कह देता है। आई लव यू तो नहीं कहता ना? ये लाइन भी कह ही देगा किसी ने। मेरे ख्याल से वो बहुत तेज है, वो चाहता है शायद कि तुम पहले इजहार करो उससे। मैं भी कर सकती हूँ इजहार, लेकिन ये पॉलिटिशियंस मुझे मोहब्बत करने नहीं देते। इस बार जब तुम उसे अकेला देखो ना, तो सब कुछ कह देना, बस कहती चली जाना, ठीक है? मैं कह तो दूं, लेकिन उसने फिर भी ना कह दी तो? तुम्हें उसकी तरफ से जवाब देना जरूरी है। अच्छा तुम क्या याद करोगी, ये भी कह देती हूँ तुम्हारे कहने पे। अच्छा भाई, बहुत काम है मेरे पास। तुम्हारे काम भी ना खत्म नहीं होते। क्या हुआ नवीन, थक गई हो? बहुत ज्यादा माँ, आज तो बहुत थक गई। अब तुम्हें अगर काम करने का शौक है तो कोई क्या कर सकता है। तुम्हारी उम्र में तो लड़कियां अपना घर बसाती हैं और खुश रहती हैं। क्यों, आप समझती हैं जिन लड़कियों की शादियां हो जाती हैं वो खुश रहती हैं? तो और क्या बेटा, लड़के का मुस्तकबिल है ये, उसका शौहर, उसके बच्चे, उसका घर। और लड़के खुद कहाँ हैं? कहीं नहीं। सब कुछ लड़की का ही तो होता है, बच्चे, घर, शौहर। ये अच्छा निजाम है, सब कुछ लड़की का, मगर फैसले का अख्तियार लड़की को नहीं। बेटा एक बार तुम हाँ तो करो, फिर तुम देखना तुम्हारे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। किस बात का इकरार अम्मा? शादी का, मुझे रिश्ता आया हुआ है, हमारे जवाब का मुंतजर है, अभी तक हमने जवाब नहीं दिया। लेकिन मैंने आपको जवाब दे दिया था, मैं उस शख्स से शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, आखिर क्या बुराई है उसमें, पता तो चले। बुराई की बात नहीं है अम्मा, मैं उस रिश्ते को नहीं निभा पाऊंगी और ये बात ज्यादा गलत है। तुम्हारे अब्बू तो बहुत आस लगाए बैठे हैं तुम्हारी तरफ से। क्यों आस लगाए बैठे हैं अम्मा, उनका क्या फायदा है जब मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। क्या करूं मैं, किस तरह समझाऊं मैं तुम्हें, मगर एक बात अच्छी तरह से समझ लो बेटी, ऐसे रिश्ते मुकद्दरों से मिलते हैं और तुम अपने मुकद्दर को ठोकर मार रही हो। अम्मा आपको कैसे बताऊं, मैं शायद बहुत आइडियलिस्टिक हूं, मुझे पैसे और पोजीशन से ज्यादा एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे, मेरे ख्वाबों को और मेरे एहसासात को समझ सके, और जिसे मैं चाह सकूं, जिसकी सोच और अमल की कदर कर सकूं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नादर है और मैं यहाँ का काउंसलर हूँ। अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आप जानते हैं कि आपके इलाके में क्या क्या हो रहा है? मैं वाकिफ हूँ जनाब कि क्या हो रहा है, मगर मैं क्या कर सकता हूँ, बात मेरे इख्तियार में नहीं। इतने गैर कानूनी हाइड्रेंट्स लगे हैं यहाँ पर, आपने सबकी इजाजत कैसे दे दी? सर ये खेल मेरे से बहुत ऊपर का है। जी सर, सर वो काउंसलर के साथ खड़ा बातें कर रहा है, क्या करूं? तो फिर आपको मुतल्लिका अथॉरिटीज को इतला करनी चाहिए, या कम से कम ये बात मीडिया पर लेके आए। इन ताकतवर लोगों के सामने काउंसलर की कौन सुनता है? पहले तो रिश्वत देकर और फिर धमकी देकर मेरी जबान बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब करके आवाम के सामने लेके आना चाहता हूँ। अगर आप मेरी मदद करें तो मैं एक आर्टिकल लिखूंगा। इससे पहले कि काउंसलर कुछ उगले, उसे उड़ा दो, वो खुद समझ जाएगा। ठीक है सर, तैयारी कर ले। देखें, यहाँ बुनियादी लोगों को मसले मसाइल का नहीं पता। दे रहे हैं मशहूर जर्नलिस्ट आरिफ गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के सिलसिले में शर्की के इलाके में तहकीकात कर रहे थे, इलाके काउंसलर भी उनके साथ थे। इस सिलसिले में उन पर फायरिंग हुई जिसमें गोलियां काउंसलर को लगी। आरिफ जर्नलिस्ट भी फायरिंग से जख्मी हुए लेकिन वो महफूज है। आरिफ ने काउंसलर को अपनी कार में हॉस्पिटल पहुँचाया। कहा जा रहा है की काउंसलर की हालत नाजुक है, डॉक्टर्स उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जर्नलिस्ट आरिफ भी हॉस्पिटल में एडमिट है। मजीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट देखिए। अब देखिए प्रोग्राम का बाकी हिस्सा। तुम लेटे रहो। तुम्हें कैसे पता चला? खबरों में देखा। खुदा का शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। गोली कहाँ लगी है? एक्चुअली वो काउंसलर को मारने आए थे, मुझे तो बस इत्तेफाकन लग गई। लगी भी क्या, छू के गुजरी है। फिक्र ना करो, कोई खतरे की बात नहीं है। ये वही तुम्हारे पानी की चोरी वाले कॉलम का रिएक्शन है ना? हो सकता है शायद। प्लीज आरे, तुम आगे इतना अकेले मत जाओ। तुम कोई न्यूज चैनल क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? सुमहरा ने भी यही मशवरा दिया था। तो जब तुम्हारी कजन तुम्हें मशवरे दे रही है तो उसकी बात क्यों नहीं सुन लेते? तुम चाहती हो कि मैं डर कर अपना मकसद बदल लूं? एक तुम ही हो ना जो हमारे माशरे को बदल देगा। तुम जानते हो हम किस समाज में रहते हैं? मुर्दा समाज में। एक एक को झुंझोड़ कर देखना पड़ता है कि कौन जिंदा है। मैं इतनी आसानी से नहीं बदल सकता, इस समाज को ही बदलना होगा। क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इस लड़ाई में तुम्हारा किस किस से हाथ छूट जाएगा? जो मेरे साथ खड़ा है वो मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, और जिसने मेरे साथ नहीं खड़ा होगा वो कभी मेरा हाथ पकड़ेगा ही नहीं। लेकिन इस जंग में तुम्हें नहीं भूलना चाहिए उन सब लोगों को जो तुम्हें अजीज रखते हैं, तुम्हारी एक तकलीफ से जिनकी आंख छलक जाती है। कौन है वो लोग? तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी वो कजन और जो तुम्हारे बारे में सोचते हैं और दुआ करते रहते हैं।
तुम कैसी हो? तुमसे बेहतर। आजकल बहुत पकड़ दकड़ हो रही है, गैर कानूनी हाइड्रेंट बंद किए जा रहे हैं, तुम जरा हाथ पांव बचा कर काम करो। अरे यार एमटी, मेरी जिंदगी का फलसफा है, जो डर गया वो मर गया, और फिर जिसके तेरे जैसे दोस्त यार हो उसको फिर कोई खौफ तंग नहीं कर सकता। माय डियर, ये वक्त वक्त की बात है, कभी हाथ हल्का भी रखना पड़ता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब प्रोजेक्ट शुरू कर बैठा हूँ, धड़ाधड़ बुकिंग हो रही है, पाइपलाइन डलवा बैठा हूँ, यार इतना पैसा खर्च कर दिया है मैंने। चलो इस मामले का तो हल कर सकते हैं, मगर वो काउंसलर जो मर गया है वो केस हमारे गले अटक सकता है, वो जो सहाफी है जिसको गोली लगी है वो तूफान खड़ा कर सकता है। अरे यार मुझे क्या पता किसने गोली चलाई, कहाँ से गोली आई, किसको, तुम मुझ पे तो नहीं शक कर रहे? देखो जीशान शाह, तुम बहुत शातिर खिलाड़ी हो, हमारे भी कुछ जराए हैं, तुम एक तीर से दो शिकार करना चाह रहे हो, काउंसलर को रास्ते से हटाना और सहाफी को खौफजदा करना। बेचारा काउंसलर तो अपनी जिंदगी से गया, लेकिन ये सहाफी तुम्हारे गले की हड्डी बन सकता है। इस तरह की हड्डियां मैं छुपा कर थूक देता हूं, बस तू मेरे इंटरेस्ट का ख्याल रख, दैट्स व्हाट आई वांट। ऐसे क्या देख रही हो, मैं ठीक हूं। तुम ये मुस्कुरा किस खुशी में रहे हो, तुम्हें गोली लगी है, कोई अवार्ड नहीं मिला है। अच्छा बैठो तो सही, पता चल ही गया होगा तुम्हें, जाहिर है टीवी चैनल पे जो काम करती हो। मुझे नहीं पूरी कंट्री को पता चल गया, क्या जरूरत पड़ी थी इतने खतरनाक इलाके में जाने की, जबकि तुम्हें पता है कि कितने लोग दुश्मन बने हुए हैं तुम्हारे। एक्सक्यूज मी, मैं अपना काम कर रहा था, किसी से लड़ने नहीं गया था वहां। लेकिन तुम ही पे अटैक क्यों होते हैं? काम तो और लोग भी करते हैं लेकिन उन पर तो कोई अटैक नहीं होता, क्योंकि तुम लिखते ज्यादा हो और हमारे प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता। फिर कैसे होता है? समझदारी से होता है, कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, किसके बारे में लिखना है किसके बारे में नहीं लिखना है, ये सब हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है। अरे सच पे पर्दा डालना हमारे प्रोफेशन का हिस्सा नहीं है और ना ही कभी होना चाहिए। जाके देखो तो सही, क्या हाल है बेचारे लोगों का, बुनियादी जरूरतों के लिए मर रहे हैं बेचारे, अपने मसीहों की तरफ आंखें उठा के देखते रहते हैं और जब कुछ नहीं मिलता तो वही आंखें उनकी बुझ जाती हैं। और तुम चाहती हो कि ऐसी मुजरिमों की पर्दापोशी करूं मैं? नेवर। अच्छा सॉरी यार, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, पता तो है मैं इस कॉज के बारे में कितना जज्बाती हूं, हम दोनों का मकसद एक ही है, हम दोनों एक ही प्रोफेशन में काम करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ हमारे जज्बे की शिद्दत है। तुम्हें मेरा चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, फिर तुम्हें जो करना है कर लेना, तुम्हें तहफ्फुज तो मिलेगा ना। मौत से बचाना चाहती हो मुझे? मौत से नहीं, खुदकुशी से बचाना चाहती हूं। तुम्हें लगता है ये सब कुछ खुदकुशी है? हाँ ये खुदकुशी है, तुम जज्बात से लड़ रहे हो और जज्बात बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें बारूद के हवाले नहीं किया जाता। अब कैसे हो? बेहतर हूं, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम दोबारा मुझे देखने आ गए। और जख्म कैसा है? हाँ रूह के जख्मों को गुरेद गुरेद कर ताजा करता रहता। मुझे लगता है तुम्हें शौक है खुद को जख्मी करने का। क्या करूं, मैंने रास्ता ही ऐसा चुना है। तो फिर देखभाल के कदम उठाया करो ना। सुमेरा भी यही कहती है। वो तुम्हारी कजन, वो कहाँ रहती है? उसका अपना एक फ्लैट है, अपनी एयर होस्टेस दोस्त के साथ शेयर करती है। तुमने क्यों पूछा उसके बारे में? उस दिन जब तुम मुझसे फोन पे बात कर रहे थे तो मैंने उसकी आवाज सुनी थी, वो भी काफी ख्याल रखती है तुम्हारा। ख्याल नहीं रखती मेरा, अपने ख्याल में मुझे कैद रखती है, मैं घर हूं या बाहर रिहाई नहीं मिलती। वाओ,
ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, उससे शादी क्यों नहीं कर लेते तुम? अम्मी का बस चलता तो कब का निकाह पढ़ा चुकी होती। तो रुकावट क्या है? अभी मेरे हाथ में शादी की लकीर नहीं है। यहाँ के विजिटिंग आवर्स क्या है? नवीन, मैं तुम्हें जरूर हासिल करूंगा, क्योंकि तुम बहुत अलग हो उन तमाम लड़कियों से जो मुझे हासिल करना चाहती हैं। क्या हाल है मेरे भाई? थैंक यू। मुझे कुछ कुछ अंदाजा है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। फ्यूचर प्लानिंग। देख, तेरी हमेशा से मेरी जिंदगी में एक इंपॉर्टेंस रही है, और किसी दूसरे हवाले से एक गहरा ताल्लुक भी तो है। समझ नहीं पाया कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। नवीन की बात कर रहा। ओ, और मैं समझा कि तुमने बिजनेस पर बात करने के लिए मुझे बुलाया है। मैं तो भूल ही गया था, और ये समझा कि तुम भी बात करके भूल गए होगे। मैं भी भूल सकता, अल्लाह ही भूलता कि हर हाल में मुझे नवीन से शादी करनी है, कैसे भूल सकता। तुमने रिश्ते की बात तो की थी ना उनसे, फिर उन्होंने कहा था कि हम अपनी बेटी से बात करके जवाब देंगे। अभी तक कोई जवाब आया नहीं वहां से, और जहां तक मेरा ख्याल है इनकार कर दिया होगा नवीन ने। यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारे सामने एहसास से कमतरी में मुब्तला हो? एहसास से बर्तरी में तो हो सकती है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एहसास से बर्तरी उसके सस्ती भी है। वैसे मैं यूं ही पूछ रहा हूं, अगर वो किसी भी हाल में ना माने तो? मैं पापा के साथ अक्सर मार्केट जाया करता था खिलौने लेने के लिए, तो मैं जिस खिलौने पे हाथ रखता था पापा मुझे ले दिया करते, चाहे वो जितना मर्जी महंगा होता। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक खिलौने के ऊपर हाथ रखा तो पापा ने कहा ठीक है ले लो। पापा उसके पैसे देने लगे तो वो दुकानदार ने कहा कि सॉरी सर, ये तो खिलौना बिक गया है। तो पापा ने वो खिलौना उठाया और अपने पैरों के नीचे उसको कुचल दिया, और हम उस खिलौने के दुगने पैसे दे के घर वापस चले आए। मुझे लगता है कि पापा की ये जो आदत है समझ में आ गई है। मेरे दोस्त, इंसान और खिलौने में थोड़ा सा फर्क है। अरे मैं इंसानों से ही तो खेल कर जवान हुआ हूं, हम सब एक दूसरे के हाथों खेल ही तो रहे हैं, खिलौने ही तो हैं हम लोग। बात सही है तुम्हारी, देखते हैं। पर तुमने यार एक काम मेरा करना है। यार वो मिनिस्टर साहब हाइड्रेंट्स के मामले में बहुत बिगड़े हुए हैं, और जहां तक मेरी नॉलेज में है कि वो मिनिस्टर साहब तुम्हारी बड़ी इज्जत करते हैं, तुम्हारा लिहाज करते हैं, तो मेरी तरफ से उन्हें थोड़ी सी तसल्ली दे दो, और एक फेवर करवा दो मिनिस्टर साहब से कि मेरे हाइड्रेंट्स पे हाथ ना डालें, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया को मेरे हाइड्रेंट से पानी मिलता है। ठीक है, हो जाएगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आना है मुझे मिलने के लिए, कर लूंगा बात में। लेकिन पहले तो मेरे बारे में सोच, फिर मैं तेरे बारे में सोच। कराची में आज एक काउंसलर को गोली मार दी गई। उस बेचारे का क्या कसूर था? क्या वो सच बोलना चाहता था? सच तो मैं भी बताना चाहता हूं। कराची में सैकड़ों नाजायज हाइड्रेंट्स लगे हुए हैं, जिन पे बा असर अफराद का कब्जा है। वो उन्हीं हाइड्रेंट से टैंकर्स भरकर महंगे दामों में अवाम को पानी बेचते हैं। मैं मुतालका हुकाम से मुतालबा करता हूँ कि ये गैर कानूनी हाइड्रेंट्स बंद किए जाएं।
ताकि मेन सोर्स से लाइनों के जरिए आवाम को पानी मिले। पानी की इस चोरी में मारूफ बिजनेसमैन जीशान शाह का नाम शामिल है, उसके अलावा भी कुछ नाम है। पानी की चोरी की वजह से आवाम और इंडस्ट्रीज को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में उन्हें मुल्क पर हुकूमत करने वाले वडेरों, जागीरदारों, सरमायादारों सुनो, कभी इस दरिया के किनारे गांव की अल्लर लड़कियां बालियां आती थीं, हाथों के चुल्लू में पानी भरकर अपनी प्यास बुझाती थीं और इनके हसीन गीत फिजाओं में गूंजते थे। आज शहरों का फुजला और फैक्ट्रियों का टॉक्सिक वेस्ट तुम इसी दरिया में उंडेलते हो, मेरी रग रग को आलूदा करते हो। इस जहर को लिए मेरे दरिया आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस जहर घुले पानी से आखिर मैं किसकी प्यास बुझाऊं? क्या कोई तरीका, कोई इजाद ऐसी नहीं कि मेरे पानी को साफ किया जा सके? मैंने सुना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स मेरी मदद कर सकते हैं, क्या वो हमारी पहुंच से दूर है? मैंने सुना है कि ड्रिप इरिगेशन आपाशी में काश्तकारों की मदद कर सकता है, और हाँ ये भी सुना है कि इससे वाटर कंजर्वेशन होगा, मगर एक गरीब किसान वो फ्यूल कहाँ से लाए जो इन टर्बाइंस को चला सके जो ड्रिप इरिगेशन के लिए जरूरी है? जरा सोचो, हमारे पड़ोसी मुल्क ने अपने रेगिस्तान में वाटर पिट्स बनाई हैं, जहाँ से इनकी हुकूमत वाटर पंप्स के जरिए साल भर का जमा शुदा बरसाती पानी अपने लोगों को फराहम करती है। क्या हम ऐसे सादा और कम खर्च इकदाम नहीं कर सकते? आज सूबों के दरमियान पानी की तकसीम पर अफहाम व तफहीम की बात तो की जाती है, मगर मुस्तकबिल में पेश आने वाली किल्लत आपकी खौफनाक सूरत हाल से निमटने के लिए कोई ठोस मनसूबा बंदी नहीं की जा रही। पानी की तेजी से बढ़ती हुई किल्लत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका में हर फर्द के लिए 5,000 क्यूसिक पानी का जखीरा मौजूद है, जबकि हमारे पास 150 क्यूसिक फीकस पानी का जखीरा भी मुहैया नहीं है। शहरों की बढ़ती हुई आबादी और सनतकारी के लिए हमें पानी की कसरत से जरूरत है, मगर मौसम की हौलनाक तब्दीलियां और बढ़ता हुआ आलमी दर्जा हरारत आइंदा पानी के लिए होने वाली खौफनाक जंग के तस्वुर को एक हकीकत बनाता जा रहा है। मेरी दास्तान अभी अधूरी है, पर मेरी मौत का वक्त शायद करीब आ रहा है, क्योंकि मेरे अंदर और बाहर माहौलियाती आलूदगी का जहर फैलता जा रहा है। अगर मेरे लफ्ज़ों से अंदाज़ा नहीं होता तो इन बुझे हुए चेहरों को देखो। मैं खुदा से दुआगो हूँ कि हमारे हुक्मरान और जिम्मेदारान कुछ कर दिखाएं और यहाँ बसने वाली खलकत को प्यासा मरने से बचा लें। तुम्हारा जख्म कैसा है? जख्म शायद भर गया, अब तकलीफ नहीं होगी। हाँ, कुछ लोगों को जख्म का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि उन्हें इतने जख्म लग चुके होते हैं कि उन्हें तकलीफ नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कोई और वजह। क्या? तुम साथ हो तो मुझे तकलीफ का एहसास ही नहीं हो रहा। और जब मैं चली जाऊंगी तो? तुम्हें जाना भी है? हाँ, मेरा एक घर है जहाँ मेरे बहुत क्यूट से पेरेंट्स हैं। हाँ, मैं भूल गया कि तुम अपने माँ बाप के साथ हो। वो तुम्हारे रिश्ते का क्या बना? बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें, और अगर मैं हाँ कर देती तो?
तो फिर तुम्हें दो जिंदगियां जीनी पड़ती, एक उसके साथ और एक किसी और के साथ। दो जिंदगी क्यों जीती? फिर मैं उसी की होकर है। लेकिन मुझे तो लगता है कि ऐसा मुमकिन है। हम सारी जिंदगी खुद को धोखा देते हैं क्योंकि हमें हिम्मत नहीं होती इजहार करने की, बल्कि जरूरत नहीं होती। शायद इसलिए क्योंकि हम माशरे से डरते हैं, और शायद इसलिए क्योंकि माशरे को मोहब्बत की कुर्बानी पसंद है। मैं माशरे की बात नहीं कर रहा, मैं तो उस सच्चाई के बारे में बात कर रहा हूँ जो जो लोग सारी उम्र महसूस तो करते हैं लेकिन somehow उसे मान नहीं पाते, खुद को भी धोखे में रखते हैं और दूसरों को। फिर उसका हल क्या है? इसका हल तो बड़ा सिंपल है, लड़का और लड़की जहां चाहते हैं वहां की शादी कर दी जाए। चाहत से कुछ नहीं होता, लड़कियां बहुत मासूम होती हैं, बहुत जल्दी धोखा खा जाती। मगर पता है मैंने जब इनकार किया ना उस रिश्ते से तो अम्मी अब्बू को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई पसंद है। तुमने क्या कहा? जिस बात का मुझे खुद यकीन नहीं था उसके बारे में मैं क्या कहती आ रही हूं। नवीन ने अच्छा नहीं किया, अगर हमारी इज्जत रख लेती तो अच्छा था। कितनी लड़कियां जो माँ बाप के फैसलों के आगे सर झुका लेती। मेरा ख्याल है कि हम उन्हें समझा दें कि हम अभी फौरन जवाब नहीं दे सकते, अगर वो थोड़ी देर और इंतजार कर लें तो ठीक है। इंतजार करने से क्या होगा और क्यों करेगा इंतजार, कब तक करेगा इंतजार, उन्हें कोई कमी है क्या? जीशान शाह ने नवीन को खुद पसंद किया है, अब हो सकता है अपनी पसंद की वजह से वो इंतजार पर राजी हो जाए। इंतजार की कोई माकूल वजह होती है सोरा? रिश्ते नातों के मामले में अगर फैसले सही वक्त पे ना किए जाएं तो पछतावे नसीब बन जाते हैं। तो फिर क्या करें? उसने तो साफ कह दिया है कि जब ये रिश्ता मुझे पसंद ही नहीं है तो मैं निभाऊंगी कैसे। इससे पहले जितने भी रिश्ते आए हैं उन सबसे बेहतर रिश्ता है, कुछ मांग भी नहीं रहे हैं, अच्छी खासी अपने घर की हो जाती, राज करती। अब तुम देखना नसीब फोड़ेगी अपना किसी पत्थर से। अच्छा चले, एक दफा मैं और समझाती हूँ उसे, कोशिश करती हूँ। कर लो कोशिश, शायद वो मान जाए। सर वो जो हाइड्रेंट्स की गैर कानूनी रिपोर्ट है ना, वो साजिश है आपकी पोजीशन की, और मैं ये समझता हूं कि इसमें आपके पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। देखिए जिस साफी ने ये आर्टिकल लिखा है वो एक बाकिरदार साफी है, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो पैसे लेके किसी का काम करे। देखिए इंसान मजबूर भी तो हो जाता है, हो सकता है कि वो जर्नलिस्ट मजबूर हो गया हो, और फिर जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ आप ही की पार्टी के लोग हो, दूसरी पार्टी के लोग भी तो मुलव्वस हो सकते हैं ना। देखिए इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि कुछ हाइड्रेंट्स पर बासलों का कब्जा है, नाजायज पानी कनेक्शन की भरमार है, इदारे के लोग पैसा लेकर बाइख्तियार लोगों को सहूलत फराहम कर रहे हैं। दैट इज सो डेंजरस फॉर द कंट्री, आप इस मामले पर गौर करें। सर उसको जो समझ में आया उसने लिख दिया, आप कोई ऐसा भी अंधेर नहीं है। ठीक है फिर आप समझाएं लोगों को, जो भी करें मीडिया से बचते हुए करें क्योंकि वो राई का पाड़ खड़ा कर देती है। मैं बिल्कुल समझता हूँ सर, बस हमारे भी अदारे के कुछ लोग ना हद से बेताब आए हुए हैं। MTO का हाइड्रेंट स्पीच जरा शिकार हुआ है आजकल, जरा उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है शाह साहब, आपकी बात को कभी हमने रद्द नहीं किया, देख लेते। पता नहीं तुम्हें फूल पसंद हो या नहीं मगर मुझे बहुत पसंद है, ये लो।
मैंने तुम्हारे अब्बा से तुम्हें आरिफ के लिए मांग लिया है, वो राजी भी हो गए। मैं बहुत जल्दी तुम्हारी शादी करने वाली हूँ। चले ठीक है, फिर आप उसे समझा दीजिएगा कि वो ये रिश्ता ना ठुकराए। मैं अपने तौर पर आपको समझाने के लिए आया था कि नवीन की शादी वहाँ होनी जरूर है। मैं तुम्हारे बारे में इस वक्त नहीं सोच रहा, मैं बस उस हिरनी के बारे में सोच रहा हूँ। उसके बारे में ना सोच, क्योंकि वो मुझसे जितना दूर जाएगी मेरी तलब की शिद्दत उतनी बढ़ जाएगी। मन प्यासा यहाँ, जिंदगी प्यास है।